अस्सलाम वालेकुम। आज हम सैफ किचन में बना रहे हैं आलू कटलेट पाव। कैसे बनाते हैं उसके लिए हम आपको बताते हैं। हमने 3 आलूओं को अच्छे से उबाल लिया है। फिर हम ऑयल से नहीं बना रहे हैं, इसे बटर से बना रहे हैं, इसलिए हमने बटर लिया है। और इसमें शामिल करने के लिए हमने लिया है कॉर्नफ्लोर, और ये है धनिया फ्लेक्स, और हरी मिर्ची काट लिए है हमने। प्याज है, एक छोटी सी डली कटी हुई प्याज है हमारे पास। धनिया के पत्ते हैं कटे हुए, और नींबू का रस है, और चिल्ली फ्लेक्स है, और पाव है। अब हम इसमें शामिल करते हैं, आप देखिए आगे का प्रोसीजर। अब हम पहले आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे। इसमें पहले शामिल करेंगे जो हमने हरी मिर्ची काट ली है, वो डालेंगे। 3 हरी मिर्ची हमने कट कर ली थी। फिर हम डालेंगे इसके अंदर कोथमीर के पत्ते। हम डालेंगे 1 डली प्याज काट लिया था हमने, 1 डली डालेंगे प्याज। जो चिल्ली फ्लेक्स है ये भी डाल लेंगे। ये धनिया फ्लेक्स है, ये भी शामिल कर। थोड़ा सा नींबू का रस। फिर डालेंगे इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट, छोटा चाय का चम्मच। जायके के लिए डालेंगे हम इसमें नमक। आलू में तो ऑलरेडी हमने डाल के उबाला था, लेकिन थोड़ा सा हम इसमें नमक भी ऐड कर लेंगे। फिर हम डालेंगे इसके अंदर, और हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर। फिर डालेंगे एक छोटा, हमने हरी मिर्ची डाली है, चिली फ्लेक्स डाले हैं, इसलिए हम लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा डाल रहे हैं, 1/2 टीस्पून। या आप ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, मर्जी है आपकी। अब हमें सारे मसालों को मिला लेंगे पहले अच्छे से हाथ की मदद से। अब हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अब अच्छे से इसे मिला लेंगे। ये 3 आलूओं को हमने गला लिया था नमक डालकर। देखिए इसके इस तरह से अच्छे से मिला लीजिए, और इसके हल्की सी टिकिया बना लीजिए, और फ्राई पैन रख के उस पर सेक लीजिए। ना हमारा पाव बन है, वो हिसाब से हम उसकी टिकिया बना रहे हैं आलू की। देखिए हमने ये साइज़ की बना ली है कटलेट। हम इसको ऑयल से नहीं बना रहे हैं, इसको बटर से बना रहे हैं, बहुत ही टेस्टी होगा खाने में। देखिए पहले हम पूरे कटलेट बना लेंगे, उसके बाद में हम आपको आगे का बताते हैं। देखिए इस तरह से हमने सारे कटलेट को बना लिया है। अब इसे फ्राई पैन में सेक लेंगे, ये फ्राई कर लेंगे बटर के साथ। ऑन कर रहे हैं, इसमें हमने पैन रख लिया है, हाई पे ही रखे हैं हमने, हाई पे ही रखा है हमने, पैन गर्म होना है। अब हमने बटर डाला है। अब एक एक करके हम जो कटलेट बनाए हैं वो कटलेट को हम इसके ऊपर रख देंगे। सीधा मान रहे हैं, बहुत ही टेस्टी स्नैक्स बनेगा, ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा। हमने फ्लेम को हाई ही रखा है। एक एक करके हम इसे पलटा लेंगे। अब हम ये अपने कटलेट निकाल देंगे।
अब हम इसके ऊपर पाव को कट करके अच्छे से सेक लेंगे बटर डालने के बाद। अब इसके अंदर हम फ्लेम को थोड़ा लाइट हाई करेंगे क्योंकि हमने स्लो पे कर दिया था। अब हम इसमें डालेंगे बटर, थोड़े पाव को सेक लेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे स्नैक्स से। ज़रूर आप हमारी रेसिपी को घर में ट्राई करिए, खाइए, बच्चों को दीजिए, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और टिफिन में भी डाल सकते हैं ये लंच बॉक्स में। पाव को भी अच्छे से सेक लिया है। अब हम रखेंगे हमारे कटलेट, देखिए इस तरह से हम एक एक कटलेट एक एक पाव बंद में रख रहे हैं। देखिए झटपट हमारा पाव कटलेट, पाव आलू कटलेट रेडी है। आप हमारी रेसिपी देखिए, बनाइए, खाइए, बहुत ही टेस्टी रहेगा। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। झटपट बनने वाला पाव कटलेट। अल्लाह हाफिज़।